गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे आई एम गोइंग डिस्कस अबाउट मिसलेनियस एक्सरसाइज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच आर टू वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डॉटर देखिए इससे आपको कितने वर्ड्स बना सकते हैं, टू वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट लेने पर कितने आप इसमें वर्ड्स बना सकते हैं. तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि टोटल वोवेल्स कितने हैं, ए यू ई. देखिए 3 वोवेल्स हैं और यहां देखिए जी है. हाँ, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, डी जी एच टी आर. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 आपके कॉन्सोनेंट हो गए और 3 वावेल हो गए. तो 3 और ये 5 हो गया. अब 3 में से कितने वावेल लेने हैं, 3 में से 2 लेना है और 5 में से 3 लेना है. तो इस तरह से सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, उसके बाद में इसमें परम्यूटेशन क्या बनेगा, दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो 3 में से 2 वोवेल लेना है तो 2 वोवेल कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 वोवेल्स. तो आ जाएगा 3C2 और इसमें आपका आ जाएगा 3 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट इक्वल 5C3. तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे. Two vowels can be selected. Two vowels can be selected out of 3 vowels. Out of 3 vowels, B. 3C2 वेज. ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट 5C3 वेज. ठीक है, यहां आप सिंस लगा देंगे एंड देयरफॉर 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट नेट्स कैन बी selected by 3C2 multiply 5C3. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 3C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3C2 को लिख सकते हैं 3 3 minus 2. this gives 3C1. तो 3C1 इसको लिख सकते हैं और 5C2 को क्या लिख सकते हैं, 5C3. 5C3 को हम लिख सकते हैं 5C5 minus 3, दिस गिव्स 5C2. अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 into 4 upon 2 factorial. देखिए यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो इसके 2 फैक्टर करेंगे और उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 multiply 5 multiply 4 upon 2. इसको काट देंगे तो यहाँ आएगा 2 और इस तरह से आ जाएगा 3 5 15 2 30. तो इस तरह से हम देखेंगे 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड बाई 30 वेज. कितना आ जाएगा, 30 वेज.
अब हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि जैसे टू आवेल्स, देखिए इसमें से कितना हमने लिया है, टू आवेल्स, और इसमें से लिया है थ्री कॉन्सोनेंट। तो टू आवेल्स और थ्री कॉन्सोनेंट दोनों अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, फाइव। और ये फाइव आपस में भी हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फाइव पी फाइव हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका मतलब हो जाएगा हमें फाइव फैक्टोरियल, अरेंजमेंट इसका आएगा फाइव फैक्टोरियल, और फाइव फैक्टोरियल का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आगे फाइव लेटर्स कैन बी, फाइव लेटर्स कैन बी अरेंज इन फाइव पी फाइव, दिस गिव्स फाइव फैक्टोरियल, और इसका मतलब हो जाएगा 120। अब देखिए इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आएगा, 30 और 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 30 मल्टीप्लाई 120, और ये आपका आ जाएगा 3600। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये आपके अरेंजमेंट बनेंगे, फाइव फैक्टोरियल हमने बताया, जैसे आपके टू आवेल्स, इसमें से कोई टू आवेल्स लेंगे और थ्री कॉन्सोनेंट लेंगे, तो टोटल जैसे अभी इसमें था टू आवेल्स, मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे डॉटर में क्या क्या आवेल था, सपोज करिए कि दो आवेल लेते हैं और तीन कॉन्सोनेंट लेते हैं कोई भी, जैसे डी ले लिया, जी ले लिया, टी ले लिया, तो इनको आपस में कैसे भी हम चेंज कर सकते हैं, डी यहाँ लिख सकते हैं, यू बाद में लिख सकते हैं, कोई भी इधर उधर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखिए फाइव फैक्टोरियल कैसे होगा, जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं, हाँ देखिए इसको पांच में से कोई एक भरेंगे तो फाइव हो जाएगा। यहाँ एक भर देने के बाद अरेंजमेंट जब करते हैं तो उसमें रिपीटेशन नहीं होता है, फिर फोर हो जाएगा, फिर दो जब भर देंगे तीन आ जाएगा, और जब तीन लेटर भर देंगे तो दो बचेगा, फिर एक बचेगा, तो इस तरह से फाइव फैक्टोरियल हो जाएगा। तो परम्यूटेशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इसके अरेंजमेंट 120 बनेंगे और इसके जो सिलेक्शन होंगे वो 30 बनेंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, टोटल आपका नंबर ऑफ वर्ड्स 3600 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टू,